बाबा साहब की ये मूर्ति देखिए, बाप रे काफी अद्भुत नजारा। ये रमाई की मूर्ति है, श्वेतगन पगोड़ा जैसे म्यांमार वगैरह है उसके पैटर्न ऐसे स्तंभ बनाए हैं ये, और वहां पे भी इतना जबरदस्त नजारा है, बाप रे। और ये मूर्ति मैंने आपको उस सड़क से दिखाई थी जब वहां से एंट्री की है, बाप रे। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुधाय, जय भी। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके एमजी व्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं नागपुर से 30 किलोमीटर दूर उमरेड रोड पर ऊटी शहर के पास। जी हाँ, यहां पे लाने का कारण यह है दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं छुपा हुआ भगवान बुद्ध का सुंदर सा बुद्ध विहार और 50 फुट से ऊपर की बहुत ही सुंदर बुद्ध प्रतिमा, जिसने कब मुझे ऐसा लगता है कि आज तक आपने ये कभी देखा नहीं होगा, इसलिए हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है भगवान बुद्ध की काफी सुंदर और काफी अद्भुत 50 फुट से ऊंची ये बुद्ध प्रतिमा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चबूतरा वगैरह पकड़ के ये 100 फीट के ऊपर हो रही है। हम वहां भी जाएंगे, इसको मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बारीकाई से बताऊंगा कि यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं और ये प्रोजेक्ट किसका है। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके आया हूँ लुम्बिनी पार्क में। यह है उसका एंट्री गेट, देख सकते हैं आप, सांची के स्तूप का इन्होंने ये एंट्री गेट बनाया है। इनके गेट्स के ऊपर भी भगवान बुद्ध का हाथ, अशोक चक्र का हाथ और नमो बुद्धाय लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि ये किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पर्सनल प्रोजेक्ट है। सचिन गजबी है जो कि नागपुर के रहने वाले हैं, उनकी 300 एकड़ की जमीन है पूरे इस ऊटी ये गांव में, उमरेड से लग के ये गांव है, और उन्होंने ये सब इतना अच्छा अद्भुत प्रोजेक्ट बनाया है। आपको पहले जैसे हम एंट्री करते हैं तो आपको बताऊंगा कि भगवान बुद्ध की ये भव्य प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। ऊपर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है, मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा। वहाँ पे अभी लॉक लगा है, तो यहाँ पे जो केयर टेकर है उनसे हम चाबी मांग के वो खोलेंगे। आप जरा गौर करिए, यहाँ पे इतना सुंदर इन्होंने ये गार्डन बनाया है। वहाँ पे इन्होंने मुर्गियाँ पालन भी करी है, मुर्गियाँ भी दिख रही है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और काफ़ी अद्भुत ये गार्डन है, बीच में फाउंटेन लगाया है, ये सिर्फ पर्यटकों के लिए इन्होंने बनाया है। यहाँ पे देख सकते ये भगवान बुद्ध की ऐसी मूर्तियाँ लगाई है, और ये मूर्तियों की खासियत यह है कि जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे और उन्होंने वो 7 कदम लिए थे, ऐसी कहानी है, और ऐसी उंगली की थी, मतलब आई एम द स्पेशल वन, मतलब मैं स्पेशल हूँ, ऐसा वो ये दर्शाया था। तो उस तरह की ये मूर्ति है, काफ़ी अच्छे से इनकी गार्डनिंग है, काफ़ी अच्छे से इसकी साफ सफाई की जाती है, देख सकते हैं दोस्तों। और सबसे अद्भुत बात इस जगह की जो किसी ने नहीं बताई, सब लोग मूर्ति देखते हैं ऊपर से रास्ते से देखते हैं और दूर से अभिवादन करते हैं, लेकिन असली मज़ा है ये सुंदर बुद्ध विहार जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए हम चलते हैं इस बुद्ध विहार में। वाह, कितना अद्भुत लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरफ देख सकते हैं आप, इनका प्रोजेक्ट बन रहा है लुम्बिनी इंटरनेशनल नगरी मौजा ऊटी, और हम अभी मौजा ऊटी में ही है, और ये नगरी बना रहे हैं जिसका काम अभी शुरू है। देख सकते हैं आप दोस्तों, कितने सुंदर अद्भुत ये प्रोजेक्ट है, जल्द से जल्द बनेगा तो हमें भी देखने के लिए अच्छा होगा। और देखिए कितना शांति भरा वातावरण है वहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों, और भगवान बुद्ध की देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, बाबा साहब की कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं ये देख सकते हैं आप। ये सब अभी यहाँ पे लगने वाली है क्योंकि काम शुरू ही है। इन्होंने ऐसे कितनी सारी मूर्तियाँ मंगा के रखे हैं, जो कि कुछ ये आप थाईलैंड पैटर्न में देख सकते, कुछ इंडियन पैटर्न में देख सकते, वो आप जापनीज पैटर्न में जो खड़ी है वॉकिंग स्टाइल में वो है मूर्ति, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये बाबा साहब की ये मूर्ति देखिए, बाप रे कितनी अद्भुत, और ऐसी मूर्ति मतलब वो कॉमन मूर्ति जैसी नहीं है कि खड़े और ऐसी उंगली दिखा रही है, बैठे है स्पेशली सिंहासन पर एटीट्यूड में, बढ़िया और कितनी अद्भुत ये मूर्ति लग रही है। बाप रे मज़ा आ गई भाई यहाँ पे आके, धन्य हो गया ऐसा लग रहा है। अंधेरे में आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। यहाँ पे आते हैं, आगे आइए और देख सकते हैं आप भगवान बुद्ध की कितनी सुंदर अद्भुत प्रतिमा। पीछे अशोक चक्र है और सामने काफ़ी सुंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ भी रखी है। इस तरफ भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बाप रे काफ़ी अद्भुत नज़ारा। एक बार आपको कैमरे में अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम तब तक भगवान बुद्ध को वंदन नमन कर लेते हैं, उनको अभिवादन कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे आके काफ़ी धन्य हो गया, काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है, मंत्रमुग्ध हो गया हूँ मैं दोस्तों।
नमो बुद्धाय। वाह, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वॉकिंग स्टाइल में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये श्रीलंका पैटर्न की मूर्ति है दोस्तों। श्रीलंका में सबसे बड़ा स्टैचू है भगवान बुद्ध का जो वॉकिंग स्टाइल में है। इस तरफ भी देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर मूर्ति है और आंखें खुली है। आप ये देख सकते हो, गौर करिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति की आंखें खुली है। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही जो चित्र बनाया था भगवान बुद्ध का, वो खुली आंखों वाला बनाया था। उसके बाद ही भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भारत में या भारत के बाहर खुली आंखों वाली बनाना शुरू किए। इस तरफ देख सकते हैं, ये कुछ पैक की हुई मूर्तियाँ हैं। ये भी देख सकते हैं, वाह, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। वाइट ग्रेनाइट या मार्बल में बनी हुई ये मूर्ति है भगवान बुद्ध की, और ये जैपनीज पैटर्न में है। देख सकते हैं आप, इसकी कलाकृति जो है वो जैपनीज पैटर्न में, और इनकी भी आंखें खुली हुई है। ये एक खास बात है, यहाँ पे खुली आंखों वाली मूर्तियाँ बहुत हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये रमाई की मूर्ति है। देख सकते हैं आप, पैकिंग है, माता रमाई की मूर्ति है दोस्तों। पीछे में रमाई पार्क बन रहा है 5-10 एकड़ में, उसके लिए ये लाया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाबा साहब की सुंदर मूर्ति, सिर्फ उनका ऊपर का पोर्शन धड़ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। वाह, यहाँ भी शायद मूर्तियाँ ही होगी। अब चलते दोस्तों ऊपर, यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर कर लिए, अभी चलते ऊपर। तो दोस्तों पूरा ये बुद्ध विहार एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और आपको दिख रहे होंगे फ्रेम में कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत मूर्ति है। सूरज की किरणें जब मूर्ति के ऊपर पड़ रही है तो वो और गोल्डन तरीके से चमक रही है, और ध्यान मुद्रा में ये मूर्ति है। चलो चलते हैं हम ऊपर, एक ये सीढ़ी है, हमें चढ़कर जाना है ऊपर दोस्तों। तो बने रहे, काफ़ी एडवेंचर टाइप का है। यहाँ पे लोगों की रहने की व्यवस्था भी इन्होंने की है, तो ये उनका रहने की व्यवस्था है। देखिए इस साइड, ये राइट साइड में इनकी रहने की व्यवस्था है, यहाँ पे जो इस केयर टेकर रहते हैं। वहाँ पर पंचशील के ध्वजों से, और हवा देख सकते हैं आप कितनी चल रही है, वो झंडे देखिए कितने उड़ रहे हैं। वाह, तो यहाँ से एक बार पूरा गार्डन दिखा दीजिए भाई, पूरा एक्सप्लोर कर दीजिए, और यहाँ पे फिर मूर्ति दिखाना। वाह, सुंदर नज़ारा, अद्भुत। और ये देखिए यहाँ पे, ये श्वेतगन पगोड़ा जैसे म्यांमार वगैरह है, उसके पैटर्न ऐसे स्तंभ बनाए हैं ये, और वहाँ पे भी। वाह, चलो चलते हैं अभी वो ऊपर, हमारे लिए स्पेशली यहाँ पे ये इन्होंने दरवाज़ा खोला है जो हमेशा बंद रहता है, लेकिन मीडिया कहीं भी घुस सकती है ऐसा है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, इधर ये इनका ही पूरा, ये 300 एकड़ में इनका ही पूरा ये ज़मीन है पूरी। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये लॉन भी बनाया है, अगर आपको शादी बर्थडे पार्टी कुछ करना हो तो आप लुम्बिनी सेलिब्रेशन आ सकते हैं, उमरेड रोड ऊटी मौजा रोड पे, इस बुद्ध विहार के पीछे में ये इन्होंने लॉन भी बनाया है दोस्तों। सही है, तो चलते हैं ऊपर। वाह वाह, चलो नमो बुद्धाय। वाह, मैं पहला होऊंगा यूट्यूबर जो इतना ऊपर चढ़ाऊ। बाप रे, कितनी भव्य मूर्ति है, देखो यार मैं कितनों सा लग रहा हूँ मूर्ति के पास सामने, कितनों सा, बाप रे। और इतनी मूर्ति मैं तो आ भी नहीं रहा, इतनी बड़ी मूर्ति है दोस्तों। चलो आगे से आपको दिखाते हैं। वाह, ऐसा दिखाए भाई, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, बाप रे। और ये मूर्ति मैंने आपको उस सड़क से दिखाई थी जब वहाँ से एंट्री की है, बाप रे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। पता नहीं फ्रेम में आ रही कि नहीं आ रही मूर्ति, हाँ ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सूरज की किरणें देखिए जब मूर्ति पे पड़ रही है तो कितना अद्भुत लग रहा है भाई। जूम करके दिखा देना, ध्यान मुद्रा में मूर्ति है, आंखें दिख रही है लेकिन अभी वो पूरा गोल्डन गोल्डन, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से, वो मेरे से तो 50 फुट ऊपर होगी वो। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप नागपुर या नागपुर के आसपास के, तो आपके लिए एक काफ़ी एडवेंचर और काफ़ी अच्छा आपका टूर हो सकता है यहाँ पर, और भगवान बुद्ध की अच्छी अच्छी मूर्ति, बाबा साहब की अच्छी अच्छी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।